आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसमें कि जो लोग पूछ रहे हैं राधाष्टमी के बारे में। राधाष्टमी आने ही वाली है, बुधवार को है 11 सितंबर को, उसके बारे में वीडियो बनाई है और बनानी भी चाहिए। और भाई हमारी राधा रानी का त्यौहार है, उनका जन्म उत्सव है, तो उस पर तो हमें बनानी ही चाहिए। तो ये मेरा मेन कर्तव्य बनता था कि मैं वीडियो बनाऊँ, इसलिए मैंने 3 दिन पहले ही बना दी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं ठाकुर जी से संबंधित, उनके प्रेमा भक्ति से संबंधित ऐसी वीडियोस बनाती रहती। अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी वीडियोस रेगुलरली मिलती, कब कौन सा विषय कहां काम आ जाता है हमें परमात्म के मार्ग पर हमको पता नहीं लगता, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलरली वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो चलिए आप बात करते हैं राधाष्टमी जो है 11 सितंबर की है। अब जो है राधा रानी जो है भैया, अभी मेरी बेटी पूछ रही थी, कुछ आ रहा था टीवी में तो उसमें कुबेर जी आ रहे थे, वो पूछ रही मम्मा जी ये भी भगवान जी हैं? वो सोचते हैं कि सिर्फ कान्हा जी भगवान है। वो जब सेवा और पूजा करते देखती है कि वो सोचते हैं कि सिर्फ कान्हा जी भगवान होते हैं, भगवान जी मतलब कान्हा जी, और बात भी सही है। लेकिन वो कुछ देख रही थी, वो पूछ रही थी मम्मा ये कौन है? मैंने बोला बेटा ये भगवान है। तो वो कुबेर जी थे, मम्मा ये भी भगवान जी होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उस सीरियल में लक्ष्मी जी है, मम्मा ये भी भगवान जी होते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा, ये धन की देवी होती हैं, ये कुबेर जी धन देते हैं। तो भैया ऐसे ही जैसे तो एक बात मेरे माइंड में आई, देखो जैसे लक्ष्मी जी हैं, वो किस चीज़ की दाता हैं? वो धन की दाता हैं, धन की, वैभव की, लक्ष्मी की, वैभव लक्ष्मी उनका नाम है। तो वैभव लाती हैं, धन लाती हैं। और जो सरस्वती जी हैं वो ज्ञान देती हैं, है ना, सरस्वती जी ज्ञान की देवी हैं। उसी तरह कुबेर जी धन के भंडार के उस स्वामी हैं जो वो देते हैं। उसी तरह हमारी राधा रानी क्या दिखाई जाती हैं उन, जैसे लक्ष्मी जी को सोने के सिक्के बरसते दिखाया जाता है फोटो में, कुबेर जी को भी सोना पहनाते हुए दिखाया जाता है, सरस्वती जी को किताब आगे ग्रंथ रखे हुए दिखाए जाते हैं। इसी तरह हमारी राधा रानी के पास क्या है? हमारी राधा रानी के पास तो सिर्फ कृष्ण है। राधा रानी एकमात्र ऐसी हैं जो कृष्ण की दाता हैं। जिस तरह लक्ष्मी जी धन की दाता हैं, वैभव की दाता हैं, ऐश्वर्य की दाता हैं, उस तरह सरस्वती जी ज्ञान की दाता हैं, कुबेर जी को धन दिखाया जाता है, और जो शिव जी हैं महादेव ध्यान, वो ध्यान में बैठे रहते हैं, तो दुर्गा देवी को अस्त्र शस्त्र के साथ दिखाया जाता है जो दुष्टों का संहार करती हैं। उसी तरह मैं राधा रानी के तो अस्त्र भी वही हैं, शस्त्र भी वही हैं, श्री कृष्ण, वो उनकी पहचान ही श्री कृष्ण से है, इतना प्रेम उनका है राधा श्री कृष्ण से, मतलब इतना प्रेम किसी का भी नहीं है जितना राधा रानी का श्री कृष्ण से है, क्योंकि उनकी पहचान ही वो ही श्री कृष्ण से है, वो जानी ही श्री कृष्ण की वजह से जाती हैं। और वे जो दात्री हैं, वो जो देती हैं, वो भी श्री कृष्ण ही है, और उनका अस्त्र भी श्री कृष्ण है, उनकी शस्त्र भी श्री कृष्ण है, उनका प्रेम भी श्री कृष्ण है, और जो वो देती हैं, जो उनका डिपार्टमेंट है वो भी श्री कृष्ण है। तो सब कुछ श्री कृष्ण का उनके हाथ में है डिपार्टमेंट, वही देती हैं उनका प्रेम। जैसे लक्ष्मी की पूजा करके आपको धन वैभव आएगा, और सरस्वती की पूजा करके आपको ज्ञान आएगा, उसी तरह श्री राधा रानी की उपासना करके उनको मना के आपके पास श्री कृष्ण आएगा, आपको श्री कृष्ण प्रदान करती हैं, वो उनके डिपार्टमेंट का प्रेम की देवी हैं और कुछ नहीं है उनके पास। उनके पास श्री कृष्ण के प्रियतम हैं, और उनको प्रिय भी सबसे ज़्यादा प्रियतम ही हैं अपने, और कुछ नहीं, इतनी भोली भाली हैं वो, सिर्फ प्रेम की वजह से वो जानी जाती हैं। ना कोई अस्त्र दिखता, ना कोई शस्त्र दिखता, ना वो आशीर्वाद ही देती हुई दिखाई देती, वो तो सिर्फ अपने प्रीतम के कंधे पर सर रखते दिखाई देती हैं, वो प्रीतम को ही बांटती हैं। अगर किसी को प्रीतम चाहिए तो राधा रानी को पूजे, है ना। तो ये हमें राधा रानी, और राधाष्टमी के व्रत के बारे में बता दूँ, हमारी राधा रानी बहुत भोली है, उनकी प्रसन्नता, जिसकी बर्थडे होता है तो उसकी प्रसन्नता की चीज़ करी जाती है, जिसका उत्सव है ना, तो राधा रानी की प्रसन्नता क्या है वो तो कोई भी बता दे, राधा रानी की प्रसन्नता है श्री कृष्ण में। तो राधा रानी को बहुत खूब सारा भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनाइए उस दिन, और उसका व्रत उपवास कहते हैं आधे दिन तक रखा जाता है। राधा रानी ज़्यादा देर तक हमें भूखा नहीं देख सकती, बहुत करुणामय है, तो आधे दिन तक, दोपहर तक उनका व्रत रखा जाता है। और वैसे अगर आपकी श्रद्धा है तो आप
अगर आपकी श्रद्धा है तो आप पूरा दिन शाम तक भी वो रह सकते हैं उपवास, रात तक भी है वो आपकी श्रद्धा पे, लेकिन वो सिर्फ आधे दिन का उपवास का इसमें वर्णन है जो हमारे गुरुदेव ने बताया हमें, आधे दिन दिन दोपहर तक को उनका भगवान का श्री कृष्ण का रात को 12 बजे अभिषेक होता है, इनका दोपहर 12 बजे होता है और आधे दिन तक का व्रत होता है। उनके पसंद का भोग लगाई, अरवी की सब्ज़ी उन्हें बहुत पसंद है और श्री जी तो प्रियतम के नाम से उन्हें आप जो भी खिला देंगे वो खा लेंगी, इतनी वो सरल हैं, सरल स्वभाव बोल दिया जाता है जो आजकल भजन बहुत फेमस चल रहा है, मृदुता दयालुता कृपालुता की दासी है ऐसे बोला जाता है कि मधुता कृपालुता दयालुता और सरल, सरल मतलब सहज, सरल सीधी हैं बहुत, तो कुछ भी जो आप प्रियतम के नाम से प्रेम से उनको देंगे वो वही स्वीकार लेंगी। और इसकी मैं तो सबका रात्रि को इम्पोर्टेंस देती हूँ, चाहे जन्माष्टमी हुई चाहे कोई भी अष्टमी हुई, हमारी राधा जी की अष्टमी हुई, शरद पूर्णिमा हुई, कोई भी शिवरात्रि हुई, इन रात्रियों में हमको अगर आपसे हो सकता है मुमकिन है तो इन रात्रियों को सोकर मत गवाइए। सोते हुए हमें बहुत जन्म हो गए, हम कितने ही जन्म लिए, हमने सारे शरीरों में जानवरों में सब में हम सोए हैं, आहार निद्रा मैं तो ये सारे कार्य किए ही हैं, तो सोने में मत गवाइए, खासकर ये रात्रियाँ, इसमें हम जम के हमको भगवान का क्या करना है, आवाहन करना है। मैं ये नहीं कहूँगी खूब नाम जपिए, मैं नहीं कहूँगी, आवाहन करना है भगवान का रात्रि में, जो बहुत ही प्रभावशाली होता है। आवाहन कैसे करते हैं, उनको बुलाना है, जैसे किसी को बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, ऐसे पुकारना है। अब वो आप कैसे करेंगे, नाम जप के करें, भगवान का कोई गीत गा करके करें, या कोई पद है जो आप गाते हैं, या आपकी दिनचर्या में जो भी उपलब्ध है वो करते हैं, या कुछ भी करते हैं उसको करके गाना है, अगर या कोई मंत्र करते हैं आप दीक्षित हैं, या कोई अगर दीक्षित भी नहीं है कोई मंत्र करते हैं तो उस मंत्र को रात पूरी रात बैठ करके जपिए, है ना। नहीं तो, और जिनके पास कुछ ऐसा समझ नहीं आता आप बता दीजिए क्या करें, ऐसे भी पूछते हैं लोग, तो आप इस रात्रि को राधा कृपा कटाक्ष पढ़िए, राधा रानी की प्रार्थना करिए इस दिन, उनको मनाइए जिसे मान जाएं और अपने प्रियतम से मिलवा दें, है ना। तो उनकी राधा रानी राधा कृपा कटाक्ष पढ़िए, 100 बार पढ़िए, 11 बार जितनी बार हो सके उतना पढ़िए, रात्रि में जागिए, है ना। और रात्रि में तभी जाया जाएगा जब आप दिन में आहार अच्छा लेंगे, यानी कि अगर उपवास रहेंगे आप पूरे दिन, इसलिए कहा जाता है पूरे दिन अगर हल्का खाएंगे, उपवास है आपका, तो रात्रि में आपसे जागा जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी, आलस कहते हैं ना, भूखे पेट नींद नहीं आती, तो ऐसे ही कहते हैं, तो आलस से नहीं आएगा आपको और आप जाग भी पाएंगे। इसलिए इसलिए इन रात्रियों में शिवरात्रि हुई, नवरात्रि हुए, इसमें हमें व्रत रखते हैं, व्रत इसीलिए रखा जाता है जिससे हम साधना कर सके और हमें आलस्य से बचा जा सके, जहाँ हम अन्न खाते हैं वहीं हमें आलस घेर लेता है, इसलिए आलस्य नहीं आता, हमारा व्रत होता है तो इसलिए हम जिस दिन हमें आलस नहीं आता उस दिन हमें अच्छी साधना होती है और उस दिन अच्छी प्रार्थना होती है, तो इसलिए व्रत रखा जाता है। व्रत रख के खूब आह्वान करिए मैं कहती हूँ, राधा रानी को श्रृंगार कीजिए। और जिन लोगों के पास राधा रानी नहीं है, जिन लोगों के राधा रानी नहीं है, श्री कृष्ण का उस दिन श्री राधा रानी जैसा श्रृंगार करें, इसमें उनकी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी, है ना। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, श्री कृष्ण का ही राधा रानी जैसा श्रृंगार कर दीजिए, जैसा मैं करूँगी, है ना। तो चलिए, आपको राधाष्टमी की बहुत बहुत बधाई, राधा रानी आपको खूब कृपा बरसाएं और श्री कृष्ण को आपके हाथों में जाके थमा दें। और मैं इस टाइम रात के 11 बज रहे हैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैं चलती हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए, वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों से, जिससे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अब मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी एक और नए विषय के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।